जी हाँ दोस्तों, मई का महीना 44 डिग्री का दोपहर के 2 बजे का टेम्परेचर, एक तरफ मोदी भगत और देश प्रेम, वो भी दे सकते बिना कोई शर्त, बस और बस देश प्रेम। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखिए, लोगों को आने की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। रैली में लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर। मोदी जी जब तक यहाँ से विदा नहीं हुए थे भाषण ख़त्म करके, तब तक पंडाल छोड़ने को राजी नहीं थे। और दोस्तों, अब जब ये वीडियो बन रहा है, तकरीबन आधी घंटा हो गया मोदी जी को भाषण ख़त्म हुए, लेकिन अभी मोदी जी वहाँ से आकर हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। आधी घंटा हो गया, आधी घंटा में जो भीड़ यहाँ से चली जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो के लास्ट में देखिएगा कितने लोग मोदी जी का यहीं खड़े होकर ही किस तरह लोकसभा चुनाव 2019 में जीत के लिए आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो। वीडियो के लास्ट में देखिएगा दोस्तों, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, वो आपको सभी दिखाऊंगा। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो आदमी हमारा प्रतिनिधित्व करता है दुनिया में, उस आदमी की इज्जत हम करेंगे तो दुनिया उसकी इज्जत करेगी, और जब दुनिया उसकी इज्जत करेगी तो वो हमारी इज्जत होगी। ये सब वही लोग हैं जो इस बात को बेखूबी जानते हैं, इनका देश प्रेम इस भीषण गर्मी के अंदर। अब जाने का टाइम आधा घंटे पहले भी हो गया था, लेकिन फिर भी देखिए क्या खड़े होकर किस तरह मोदी पीएम नरेंद्र मोदी को जीत के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आधी घंटा पहले दोस्तों से मई की खत्म हो गया था, उन्हें चला जाना चाहिए था, लेकिन ये दोपहर की 2 बजे की तक मोदी जी यहाँ रुके, उमस तब तक ये लोग यहाँ से टस से मस नहीं हुए। इस गर्मी में नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का उत्साह देखिए कैसा है। अभी रैली का टाइम खत्म हुए, कम से कम 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी भी देखिए लोग धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।